गुड मॉर्निंग बच्चों आई होप आप लोग सब ठीक हैं अपना ख्याल रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है ओके सो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम आपकी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ये और हमने इसमें पढ़ा था कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है अर्थ क्या होती है सोलर सिस्टम क्या होता है इसके कितने पार्ट्स हैं क्या है किस तरह से है ये हमारा सोलर सिस्टम की डायग्राम है ओके सो अब हमें रहते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपके क्वेश्चन है हाउ डज अ प्लान डिफर फ्रॉम अ स्टार व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम किसे कहते हैं नेम ऑल द प्लान अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन सन से सूरत से लेकर हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लान्स हैं उनका डिस्टेंस के हिसाब से दूरी के हिसाब से नाम बताइए वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट अर्थ जो है वो एक आ, अलग तरीके का प्लानट क्यों कहा जाता है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज हम लोग चांद का सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं एंड वट इज द यूनिवर्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपके सिक्स पार्ट हैं। सो आज हम पहले इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे सो so दैट बाकी के आप काजिली कर पाए सो so, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था हाउ डज अ प्लान डिफर फ्राम अ स्टार हाउ डज अ प्लानट एनी ऑफ दीज प्लान फ्रॉम अ स्टार हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है तो क्या क्या डिफरेंसिस हैं इसके जैसे कि पहला डिफरेंस है स्टार जो होता है दे आर हेवेनली बॉडीज हेवनली बॉडीज मतलब वो गैस की बनी हुई बॉडीज होती हैं उनके अंदर कोई सॉलिड चीज नहीं होती है जबकि प्लानट जो है चाहे हम कोई भी प्लानट देख लें वो सॉलिड है उनके अंदर जो है भरा हुआ है लेकिन ये जो हमारा स्टार होता है Sun जो है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है इसके अंदर सिर्फ गैसेस होती है स्टार्स जो है जो हमारा सन है ये हमारे लिए हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं बनाते हैं क्योंकि इनके गैसेस जो होते हैं रिएक्ट करते हैं उससे हीट और लाइट बनती है लेकिन प्लैनेट्स जो है ये हीट और लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद जो स्टार्स होते हैं जैसे कि हमारा सन है ये एक ही जगह पर होता है ये मूव नहीं करता है ये एक ही जगह पे फिक्स्ड है लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस सन के यानी कि स्टार के आगे पीछे भी घूमते हैं और अपनी जगह पर भी घूमते हैं ठीक है और जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं मतलब चमचमाते हैं हम देखते हैं ना रात को अंधेरे में सूरज अः की रोशनी जब खत्म हो जाती है फिर हमें दूर दूर के तारे नजर आते हैं वो चमक रहे होते हैं वो क्यों चमक होते हैं क्योंकि उनसे भी जो होती है लाइट वो आ रही होती है हमारी तरफ ओके okay? लेकिन जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करते हैं ओके okay? सो so आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज बाय सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम जो है इसका इसका मतलब क्या है अब देखिए सोलर जो है वो एक लैटिन वर्ड है लैटिन एक भाषा जो होती है जिस तरह से हम उर्दू हिंदी इंग्लिश सब बोलते हैं उसी तरह से लैटिन भी एक तरह की भाषा है लैटिन में सोल जो होता है उसका मतलब होता है सोलर सोलर जो है वो सोल वर्ड से लिया गया है लैटिन वर्ड सोल से लिया गया है जिसका मतलब होता है सन ठीक है इस अब अगर हम सोलर सिस्टम देखा जाए तो कहा जाता है सन की फैमिली उसकी जो फैमिली है किसकी सन की उसे बोला जाता है सोलर सिस्टम अब सन की फैमिली में क्या क्या आता है सन की फैमिली में आते हैं उसके एट प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं एट प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स मून्स इन सब के चांद जो हैं अपने अपने ओके मीटराइड्स जो हम धूम uh, तारा देखते हैं कॉमेट्स जो हमारे तरफ आते रहते हैं ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम वेरी नाइस ओके, okay, so आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है नेम ऑल द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दियोर डिस्टेंस फ्रॉम द सन सॉरी प्लैनेट्स, रियली वेरी सॉरी प्लैनेट्स जितने भी हैं हमारे सन से उनके डिस्टेंस के हिसाब से उनके नाम बताइए अब देखिए यहां पे हमारे सन से सबसे पहला वाला आता है मरकरी ठीक है फर्स्ट प्लानट जो है सन के पास वो है मरकरी सेकेंड है वीनस थर्ड इज अर्थ हमारी अर्थ जो है वो तीसरा प्लान आती है सन के पास उसके बाद आता है आपका मार्स ठीक है मार्स बहुत छोटा सा है सबसे छोटा एक्चुअली मरकरी है लेकिन मार्स उससे थोड़ा सा बड़ा है बट ये भी छोटे प्लान में आता है हमारा सबसे बड़ा जो प्लान आता है वो आता है जुपिटर जो मार्स के बाद आता है फिर आता है हमारा सैटर्न सैटर्न के आगे पीछे आप देखते हैं ये रिंग्स मैंने आपको समझाया थे इसमें आ, सिंपल से जो गैसेस होते हैं और कुछ मीच्रोइल्स हैं वो सब कुछ जो है इसके आगे पीछे है फिर आता है हमारा यूरेनस ठीक है यूरेनस के बाद हमारा लास्ट में आता है नेपटून अब यही सब प्लैनेट्स जो हैं यही सब अर्थ के आगे पीछे जो है एक ही तरह से इसे गोल तरीके से इसके पीछे पीछे घूमते हैं तो इसीलिए हमारा ये सोलर सिस्टम बनता है आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके okay? तब तक अपना ख्याल रखें ये क्वेश्चन रिवाइज करें चैप्टर को पढ़ें और ये डायग्राम अच्छे से देखें टेक केयर बच्चों अपना ख्याल रखना